हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन लव स्टेशन हिंदी। आज हम फ्लोरल प्रिंट करना सीखेंगे, फ्लावर प्रिंट जिसे कहते हैं। आप भी सीखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हमने एक ड्रेस ड्रेप कर लिया है फिगर पे। आप भी गाउन या कोई भी स्कर्ट जिसमें आप कलर करना सीखना चाहते हैं, प्रिंट करना सीखना चाहते हैं, वो आप ड्रॉ कर लीजिए पहले। उसके बाद उसको इरेज करेंगे फिगर को, और सबसे पहले स्किन कलर करेंगे जैसे कि हम हर एक फिगर में करते हैं। तो देखिए, मैं हल्का कलर लगा के उसके बाद पानी से, वाटर की हेल्प से मैं उसको फैला रही हूँ। आप देखिए, लाइट एंड डार्क का शेड दे रही हूँ। और आपके ब्रश में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी ज़्यादा है तो फिर वो आपकी शीट ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसको आप टिश्यू पेपर पे या किसी कपड़े पे पहले पोंछ लीजिए ब्रश को हल्का सा। अब देखिए, जो भी मेरा स्किन का पार्ट दिख रहा था मैंने वहाँ पर कलर कर दिया है। उसके बाद जो भी आपका बेस कलर है वो आप अपने स्कर्ट में कर लीजिए, जो भी आप बेस कलर करना चाहते हैं। लाइट कोई भी कलर अच्छा लगेगा, लेमन येलो भी अच्छा लगेगा, वाइट किया है मैंने। तो आप फ्लैट ब्रश से आप इसको अच्छे से कलर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बेस अभी रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए, ये हमारा स्कर्ट का जो बेस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको पहले सूखने देंगे, उसके बाद हम इस पर प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके इससे पहले कि ये सूखे, तब तक हम अपने हेयर स्टाइल में कलर कर लेते हैं, और जो हमारा टॉप का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कर लेते हैं कलर। तो देखिए, तो देखा आपने किस तरीके से हम कलर कर रहे हैं। आप भी कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं वाइट एंड रेड का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। अब हम जो हमारा फिगर है उसके आउटलाइनिंग करेंगे स्किन की। पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हैं आप, या कोई और मार्कर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमने अपना बेस कलर किया तो जो हमारा डिज़ाइन था स्कर्ट का, जहाँ पे फोल्ड्स थे या कोई लाइंस थी, तो वो सब छुप गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम आउटलाइनिंग करेंगे। ये मैं ग्रे कलर से आउटलाइनिंग कर रही हूँ, आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, रेड से भी कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं 000 नंबर का ब्रश यूज़ करके, और मैं ब्रश से डायरेक्टली कलर प्रिंट कर रही हूँ, फ्लावर प्रिंट। आप चाहें तो पेंसिल कलर का यूज़ करके भी बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हैं या नहीं हो रहा है आपसे डिज़ाइनिंग, तो आप पहले पेंसिल से कर लीजिए, डिज़ाइन बना लीजिए जो भी आपको प्रिंट बनाना है,
उसके बाद आप ज़ीरो नंबर से उसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं, उसमें फिल करना चाहते हैं कलर वो भी कर सकते हैं, या शेड देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आज तो मैं आपको वाटर कलर से बता रही हूँ प्रिंट करना, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको पेंसिल कलर को कैसे यूज़ करके करना है प्रिंट वो भी बताऊँगी। तो मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। आपको प्रिंट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सीधी लाइन में प्रिंट नहीं करना है या बहुत पास नहीं करना है, आपको थोड़ा डिस्टेंस रख के करना है और ऑल ओवर टाइप का प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस को।